दोस्तों नमस्कार। मुकाबला आरसीबी वर्सेस एसआरएच, एक ऐसी टीम या ऐसा मुकाबला जिसमें पिछले मुकाबले में तकरीबन 550 रन बने थे एक ही दिन में। सनराइजर्स हैदराबाद इस बात में विश्वास करती है कि जितने रन वो बनाने की क्षमता रखते हैं उस पहुंच तक कोई दूसरा नहीं पहुंच पाता। ऐसा ही हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ, ऐसा ही हुआ है आरसीबी के साथ, और गेंदबाजी चले ना चले उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी बात उस टीम की ये है कि बीच के ओवरों में रनों पर कंट्रोल कर लेती हैं, 7 रन प्रति ओवर से कम रन वो खर्च करते हैं सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी। ये एक बड़ा फैक्टर है इस मुकाबले में। लेकिन एक सच ये भी है कि आरसीबी की टीम की अगर बात की जाए, जिस टीम की ना तो मेन स्ट्राइक बॉलर चल रहा हो, ना उसके जो कोई सहयोगी बॉलर है वो भी उस तरह की भूमिका ना निभा पा रहा हो, और जो विदेशी बॉलर होते हैं जो टीम को एसेट प्रदान करते हैं वो भी ना चल पा रहे हो, चाहे अल्जारी जोसफ हो चाहे फर्गुसन हो, तो उस टीम का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालत पहले भी पतली थी, इस बार भी पतली है। पहले फर्क ये था कि तब गेंदबाजी जो थी इस टीम की वो नहीं चलती थी, लेकिन बल्लेबाजी चलती थी और खूब चलती थी। एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज हुआ करते थे जिसकी वजह से ये टीम कई मुकाबले जीतती थी। लेकिन लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है बल्लेबाजी का आलम यह है कि या तो विराट कोहली चलते हैं या फाफ डू प्लेसी चलते हैं, या बीच में कोई एक या दो प्लेयर कभी कभार चल जाते हैं। हाँ, दिनेश कार्तिक जरूर हैं जो अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल देखेंगे बल्लेबाजी का वो इस बार नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस टीम में ना बल्लेबाजी चल रही हो ना गेंदबाजी चल रही हो, बल्लेबाजी में एकजुटता ना हो, फॉरन प्लेयर्स चल ना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं मैक्सवेल जो है रुखसत हो चुके हैं, और उसके अलावा जो है मैक्सवेल के अलावा कैमरून ग्रीन एक बड़ा नाम है वो भी इस बार कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। लेकिन वहीं सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो ये एक ऐसी टीम है जिसमें अगर दोनों ओपनर्स देखें, अमूमन आपने देखा होगा एक ओपनर धाकड़ बल्लेबाजी करता है, तेज तर्रार बल्लेबाजी करता है, लेकिन दूसरा ओपनर जो है शांत भाव से अपनी विकेट बचाता है और बीच बीच में रन बनाता है। लेकिन यहाँ दोनों ही बल्लेबाज, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो चाहे ट्रेविस हेड हो, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और इनको रोकने का अगर कोई तरीका है तो बस वो यही है कि इनको इन कटर गेंदे फेंकें, आउट स्विंगर फेंकें, और वो भी बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ना जा रही हो, क्योंकि उस पर ये पैर पीछे निकालकर जो है बैकफुट पर जाकर लंबा प्रहार कर सकते हैं, गेंद को स्टीयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको प्रॉपर तीसरे से चौथे स्टंप की गेंद दी और वो वहां पर आउट स्विंगर है या इन कटर है, तो ऐसी गेंदों पर जो है ये बल्ला अड़ाते हैं और अक्सर बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद स्लिप पर या विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। ऐसा कई बार हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जब अभिषेक शर्मा ऐसी ही गेंदों पर आउट हुए हैं। लेकिन अब 8 बल्लेबाज जो हैं इनके सारे ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ट्रेविस हेड हो, और उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों में मार्करम हो, क्लासेन हो, हालांकि मार्करम का बल्ला वैसा नहीं चला है, लेकिन क्लासेन ने जरूर रन बनाए हैं तेज तर्रार, और उसके बाद जो है एडन मार्करम और क्लासेन के बाद जो है नीतीश रेड्डी हो, अब्दुल समद हो, और अब्दुल समद ने भी कैमियो रोल में प्रभावित किया है, और शाहबाज से एक बड़ी पारी की दरकार थी, लेकिन अब बहुत नीचे आते हैं बल्लेबाजी, तो बड़े पारी तो छोड़िए, लेकिन ये भी 200 के स्ट्राइक रेट से कुछ एक कैमियो रोल 2 मौकों पर निभा चुके हैं। तो बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, और गेंदबाजी में भी अगर देखें तो भुवनेश्वर कुमार हो, पैट कमिंस हो, या फिर नटराजन हो, नीतीश रेड्डी हो, या फिर जयदेव उनादकट हो, ये सब के सब गेंदबाज जब मिडिल ओवर्स में आते हैं, बीच में आते हैं, रनों पर पूरी तरह से लगाम लगा देते हैं, 7 रन प्रति ओवर से भी कम रन खर्च करते हैं। ये इस टीम की बहुत बड़ी विशेषता है, और ये टीम जो 2016 में चैंपियन बनी थी और अब ये पैट कमिंस की ही कप्तानी में चैंपियन बनने का ख्वाब देख रही है, और क्यों ना देखे, क्योंकि अभी तक जो है इस टीम ने अपनी बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, खासकर बल्लेबाजी और वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और सुपर पावर हिटिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और सबका दिल जीत लिया है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।